दोस्तों, आयरन हमारे शरीर के लिए बहुत ही बेहद ज़रूरी तत्व होता है। अगर आयरन की कमी हो जाए, खून की कमी हो जाए, तो हमारे शरीर का बहुत सारा फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। हम अपने आप को वीक महसूस करने लगते हैं, हमको थकान बहुत अधिक लगने लगती है, हमारे अंदर सफ़ेद खून की कमी हो जाती है, हमको चक्कर आने लगता है, या हमारे अंदर एनीमिया की दिक्कत हो जाती है, पीलिया की दिक्कत हो जाती है। तमाम तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं आयरन की कमी की वजह से। तो आज की इस वीडियो में आयरन की कमी को पूरा करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट का रिव्यू करूंगा और बताऊंगा कि उसका इस्तेमाल आपको किस किस कंडीशन में करना होता है। तो इस वीडियो को आप पूरा देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे चेरी सिरप के बारे में। चेरी सिरप जो कि इंडिकेमी हेल्थ स्पेशलिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसकी MRP 190 रुपये है और ये 200 ml की पैकिंग में आती है। इसमें एलिमेंटल आयरन और साइनोकोबालामिन और फोलिक एसिड, इसमें तीन तरीके के इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही बेहद ज़रूरी होते हैं। दोस्तों, अगर इसके बेनिफिट्स की बात करेंगे, इसके यूजेस की बात करेंगे, ये सिरप एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट होता है और हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने का काम करता है। अगर किसी को आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है तो उस केस में इस सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे महिलाओं में खून की कमी को पूरा करने का काम करता है। अगर किसी बंदे को एनीमिया की दिक्कत है तो उस कंडीशन में भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर किसी वजह से ब्लड लॉस हो गया है, लाइक अगर पीरियड्स के दौरान ब्लड लॉस हो गया है, या पाइल्स है किसी को, उसकी वजह से ब्लड लॉस हो गया है, या एक्सीडेंट हो गया है किसी का, कट लग गया है उसकी वजह से ब्लड लॉस हो गया है, तो उसको पूरा करने का काम करेगा। अगर किसी के शरीर में झुंझुनाहट होती है, नमनेस की दिक्कत है, या फिर सुन्नपने की दिक्कत है, या फिर उसको बहुत अधिक थकान लग जाती है, काम करते करते थक जाता है, बहुत अधिक वीकनेस है, ठीक है, तो उस केस में सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर किसी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है, लाइक अगर उसका पाचन तंत्र गड़बड़ है, अच्छे से उसका डाइजेशन काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में भी सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे तमाम तरीके के वाइटल्स फंक्शंस को प्ले करता है और आयरन हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए भी बेहद ज़रूरी होता है। अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाए तो हमारा दिमाग भी अच्छे से वर्क नहीं करता है। तो अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो चाहे इस सिरप से या किसी और अन्य दवा से, या फिर किसी और न्यूट्रिशन से, या फिर किसी फ्रूट से, या किसी फल से, या किसी सब्जी से, या मतलब जिस भी चीज़ में आयरन पाया जाता है, आयरन रिच फूड हमको खाना चाहिए। अगर इसके डोजेस की बात करेंगे तो 10 ml सुबह, 10 ml शाम में इसका डोज लिया जा सकता है। और अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करेंगे तो ये एक हेल्थ सप्लीमेंट होता है, इसलिए इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो अगर इसका इस्तेमाल आप करना चाहते हैं, या किसी भी आयरन सिरप का इस्तेमाल आप करना चाहते हैं, तो अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि किसी किसी को आयरन से एलर्जी भी होती है। तो साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होता है, लेकिन एलर्जी हो सकती है। तो इसका इस्तेमाल जब भी करें तो अपने डॉक्टर की सलाह से ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।